आज देश भर में आम नागरिक ने खुदरा व्यापारियों ने भारतीय जनता पार्टी के इस भारत बंद के ऐलान में अपना योगदान दिया है। भारत की सरकार को इस बात का ये संदेश है कि आम आदमी पर जब महंगाई का प्रहार करेगी सरकार, जब खुदरा व्यापारियों की रोजी रोटी पर लात मारेगी ये सरकार, जब कोयला घोटाले में लिप्त ये सरकार भारत में इस प्रकार की लूट मचाएगी, तो भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस सरकार का विरोध करेगी। मुझे लगता है कि अगर सरकार भारत की आपको ये कहती है कि विदेशी निवेश मात्र FDI मल्टी ब्रांड रिटेल से ही रिफॉर्म हो सकता है, तो इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं होगा। भारत में आज 60% जनता एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है। क्यों भारत की सरकार भारत के किसानों के लिए कोई रिफॉर्म नहीं करती है? क्यों भारत की सरकार जो रिफॉर्म की बात करती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देती है? आज हमारे देश में करीबन 57% जनता सेल्फ एम्प्लॉयड है। जिस देश में सबसे ज्यादा नौजवान हमारी पॉपुलेशन है, उस देश में भारत सरकार ने नौजवानों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाया है? भारत सरकार की इस नीति से बिल्कुल साफ है कि भारत सरकार हमारे नौजवानों को सेल्स बॉयज और सेल्स गर्ल बनाने में ज्यादा रुचि रखती है। हमारे नौजवान अपने पैरों पर खड़े होकर अपना व्यवसाय करें, इसकी चिंता कांग्रेस पार्टी ने नहीं की है। Okay.